वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ तीन रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये मेरा थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे का लंच है। तो देखिए, मैंने अभी कढ़ाई में ऑलिव ऑयल डाला है और मैंने फिगारो ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया है। आज मैं बना रही हूँ जो फर्स्ट रेसिपी है मेरी, वो लहसुनी पालक है। और ये मेरा अपना स्टाइल है बनाने का, मेरा अपना वर्जन है। आप अलग तरीके से भी पालक पनीर बनाते हैं। पालक पनीर को हम बहुत तरीके से बनाते हैं, पर इस ढंग से आप एक बार बना के देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो इस तरह से मैं तेल में सब पनीर के क्यूब डाल दूँगी और उनको हल्का हल्का फ्राई करूँगी। एक एक करके सब डालने हैं इसमें। एक साथ डालेंगे तो वो चिपक जाएंगे। तो इस तरह से इसमें सब पनीर के क्यूब्स डाल दिए हैं मैंने। अभी से थोड़ा सा लाल होने देंगे और इसको अभी टर्न करेंगे हम। हल्के हाथों से हिलाएंगे ताकि ये टूटे नहीं। और थोड़ा थोड़ा इनको अलग कर देंगे क्योंकि ये एक साथ चिपक सकते हैं। जिस कढ़ाई में मैं पनीर फ्राई कर रही हूँ उसी में बाकी तड़का मैं लगाऊंगी। ऑलरेडी पनीर थोड़ा फ्राई हो चुका है, अभी मैं इसको बाहर निकाल लूँगी। और थोड़ा सा लहसुन मैंने बारीक करके डाला है, जैसे कि लहसुनी पालक है इसमें लहसुन थोड़ा सा बर्न हो जाएगा तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लहसुन को ऐसे बीच में से लंबा लंबा काट के ही डालेंगे और अदरक को भी ऐसे ही लंबा काटेंगे, ऐसे बारीक नहीं काटना है उसे हमें। बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे, नहीं तो ये जल जाएगा। ये जो आपको काला काला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये मैंने लहसुन को बारीक करके थोड़ा उसको जलाया है ताकि उसका जो स्मोकी फ्लेवर है वो आए। अभी इसमें बारीक कटा हुआ एक बड़ा प्याज डालूंगी मैं। क्योंकि मैंने इसमें एक घट्टी पालक का इस्तेमाल किया है तो मैंने एक ही प्याज लिया है। आप अपने हिसाब से जितनी पालक है उतना प्याज का मसाला या लहसुन अदरक उस हिसाब से ले सकते हैं। क्योंकि मैंने कभी भी ऐसे मेजर करके खाना नहीं बनाया है कि इतना हल्दी, इतना मिर्ची, इतना। आप चाहें तो आप भी अपने अंदाजे से जितना आपका टेस्ट है नमक मिर्ची ऑयल वगैरह का वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको हिलाते रहेंगे बीच बीच में। तो देखिए हल्का हल्का ये ब्राउन हो चुका है। अभी मैं इसमें कटी हुई शिमला मिर्ची डालूंगी जिससे मैंने लंबा काटा है। शिमला मिर्ची डालने से इस पालक पनीर का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अभी इसमें हम सूखे मसाले डालेंगे। पहले हम सॉल्ट डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। जैसे कि मैंने बताया कि मैं कभी भी नाप तोल के ऐसे मसाले नहीं डालती, आप अपने अंदाज़ा से डाल सकते हैं। अभी इसमें रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे। हल्दी पाउडर यानी कि टर्मरिक डालेंगे। और इसमें मैं घर का कुटा हुआ पंजाबी गरम मसाला डालूंगी क्योंकि मेरे घर में खड़े मसाले पसंद नहीं किए जाते, इसलिए मैंने इनको सब मसालों को दरदरा पीसा हुआ है। तो अभी इसे सबको मिक्स करेंगे हम।
और इसमें एक बड़ा कटा हुआ टमाटर और बारीक कटी हुई हरी मिर्ची भी डाल देंगे। अगर आप हरी मिर्ची नहीं खाना चाहते हैं तो आप इसको मत डालिए। अभी इसमें हम कटी हुई पालक का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर हम पालक पनीर बनाते हैं तो उसमें हम पालक की प्यूरी डालते हैं, लेकिन मैं इसमें कच्ची पालक डाल रही हूँ। पालक के पत्तों को काटने से पहले हमें अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, क्योंकि जैसे कि अभी जानते हैं आप, बारिश का मौसम है तो हरे पत्तों की सब्जियों में कीड़े वगैरह बहुत जल्दी आ जाते हैं। अभी मेरी पालक भून चुकी है, अभी मैं उसमें पनीर डालूँगी और उसे मिक्स करूँगी मैं। ये सब्ज़ी एकदम ड्राई बनती है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप इसे बच्चों के टिफ़िन में, आप खुद भी ऑफिस लंच बॉक्स में लेके जा सकते हैं, अपने हस्बैंड को भी लंच बॉक्स में दे सकते हैं। ये एक ऐसी डिश है जिसको सब बहुत पसंद करते हैं। तो इस तरह से मेरी सब्ज़ी बनकर तैयार है।